सो so, जब भी मैं मुंबई आता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि एक लिस्ट बना के आऊँ और लोगों से मिलूँ जिन लोगों से मैं बहुत सालों से मिला नहीं हूँ और जिनसे मैं मिलना चाहता हूँ इस साल एक नाम मैंने लिस्ट में रखा था जिससे मैं हमेशा से मिलना चाहता था आई I मीन mean, बहुत सालों से मिलना चाहता था बिकॉज इट्स बीन अ वायल्ड सिंस वी मेट एंड वी गो बैक अ लॉन्ग वे और आप लोगों ने हमें हमेशा देखा है साथ में पर ऑनलाइन आज फिजिकली आई एम विथ हिम और शायद घर देख वो पता चल ही गया होगा दैट आई एम नन अदर देन उज्जवल त्रिवेदी हाय रौनक हाय और हम लोग इतने सालों बाद मिल रहे हैं रौनक मुझे लगता है कि जब हम लोग लास जूम में काम करते थे हम तब मिले होंगे उसके बाद शायद नहीं मिलना हुआ और बहुत अच्छा लग रहा है मिलकर और आपके YouTube चैनल पे मैं वीडियोस देखता रहता हूँ बहुत सारे सब्सक्राइबर्स बढ़ गए हैं बहुत सारे अच्छे अच्छा कंटेंट आता रहता है और हम लोग कई बार मिले हैं देखा है सारे ऑडियंस ने और बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे मिलकर और एक्चुअली होता ही है कि जब से कोरोना शुरू हुआ तो लोगों से ऐसे पर्सनली मिलना बंद हो गया तो अब पर्सनली मिलकर अच्छा लग रहा है कि चलो कोई है जो घर आया जिससे हम बात कर रहे हैं क्योंकि अब ये सारे लोग इस चीज़ के लिए तरस रहे हैं कि घर पर आना जाना हो और मैं दोनों वैक्सीन लेकर आया हूँ तो कोई डरने की ज़रूरत <laughs> नहीं है मुझसे और यहाँ पर आ जाता है कि लाइट अच्छे से आए तो आई जस्ट वॉन्टेड टू कैच अप विद उज्वल और बताना चाहता था आपको कि मैं और उज्ज्वल अफकोर्स बहुत पुराने uh, कलीग्स हैं दोस्त हैं और साथ ही कि वट इज़ इट दैट उज्वल डज इन अ डे वॉट इज टिपिकल डे लाइक और उज्जवल एक्चुअली उज्जवल हैक ऑन सो so, uh, रौनक uh, uh, काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं पिछले कुछ सालों में uh, uh, पहले तो मैं मेन स्ट्रीम मीडिया में था फिर एक ऐसी कंपनी के लिए काम कर रहा था चाइनीज़ कंपनी के लिए जहां मुझे मेरे लिए काफ़ी वक्त मिल जाता था तो आ, मैंने अपनी फ़िज़िक पर ध्यान देना शुरू किया मेरे डेली रूटीन में सुबह सुबह जब शुरुआत होती है तो मैं नौ से दस सुबह एक घंटे का जिम होता है मेरा सुबह उठ जाता हूँ अगर मैं छः सात आठ कितने बजे उठ रहा हूँ उसके बाद मैं थोड़ा बहुत तो न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ साइट्स पे क्या आ रहा है वो देखता हूँ उसके बाद नौ से दस मेरा जिम का रूटीन है और उसके बाद आकर फिर मेरा वीडियोज़ करने का सिलसिला शुरू हो जाता है मैं ऑडियंस से बहुत इंट्रैक्ट करता हूँ मेरी ऑडियंस जानती है इस बात को कि अगर कोई भी व्हाट्सअप मैसेज आया है मैं रिप्लाई करूँगा सारे नहीं तो एटलीस्ट फिफ्टी सिक्सटी को मैं रिप्लाई करता हूँ तो मैं एक से दो घंटा तो सिर्फ लोगों के जवाब देता हूँ लोगों से बात

सबसे पहले तो रौनक मैं वही वीडियोस करता हूँ वही स्टोरीज़ करता हूँ जो मुझे अपील करते हैं मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा टॉपिक ट्रेंडिंग है ऐसे बहुत से ट्रेंडिंग टॉपिक रहे हैं जिस पर मैंने कुछ भी नहीं बोला नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कि आप उस पर बोलना नहीं चाहते मुझे लगता है कि वो उतना रेलिवेंट नहीं है नहीं। जैसे ही किसी खबर को पढ़कर मुझे लगता है कि हाँ ये बात है जो मुझे लोगों से कहनी चाहिए क्योंकि एक जो रिस्पांसिबिलिटी मैंने समझी है कि पिछले कुछ समय में न्यूज़ चैनल्स अपनी रिस्पांसिबिलिटी भूल गए और यही वजह है कि हम और आप जैसे लोग अब एक्टिव हो गए हैं क्योंकि हमने इतने साल तक जर्नलिज्म किया, किया इसमें, हाँ। क्लैरिटी नहीं मिलती एक्चुअली मुझे न्यूज चैनल देखने पर तो इसलिए शायद मुझे लगता है कि मैं दस चीज़ों में से एक चीज जो क्लियर है वो निकाल के दिखाऊं वैसे मुझे लगता है मेरा एक बहुत टिपिकल फ्रेज़ है जो मेरे क्लोज लोग हैं वो जानते हैं मैं हर चीज के बाद कहता हूँ किसका क्या क्यों कैसे तो पूछ लो तो हाँ। इट्स लाइक कि क्या है क्यों है वो तो वो पूछना बहुत जरूरी है बहुत वो हमेशा पूछना चाहिए और मुझे लगता है कि जर्नलिस्ट को तो पूछना चाहिए लेकिन जो कॉमन लोग हैं जो जर्नलिस्ट नहीं भी हैं आप कुछ भी कर रहे हैं कहीं भी जा रहे हैं आप ये पूछो कि क्या हो रहा है क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है और ऐसे नहीं होता तो कैसा होता right. इसमें आपको सारे जवाब मिल जाएंगे एब्सोल्युटली अच्छा अभी अगर केसेस की बात करें तो ऑब्वियसली हम दोनों को जब लोग देखते हैं साथ में और अलग भी तो दे ऑलवेज आज फॉर सुशांत सिंह राजपूत केस अपडेट कितने लोग मैसेज करके पूछते हैं कि क्या हो रहा है जस्टिस मिलेगी कि नहीं तो मेरा आजकल ये कहना है और पहले से ही कि जस्टिस तो बात की बात है पहले सच्चाई मिलेगी नहीं ये सबसे बड़ी बात है बट वॉट अकॉर्डिंग टू यू इज़ द स्टेटस एज ऑफ नाउ रौनक आपने बहुत सही कहा क्योंकि जस्टिस मिलने के लिए जो सच्चाई के पिलर्स चाहिए अभी तो वो पिलर्स ही हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं वो पहले पिलर्स खड़े होंगे और उसके ऊपर फिर जस्टिस मिलेगा तो मुझे लगता है कि बहुत लेट हो चुका है सब कुछ सीबीआई को जब तक लाया गया तब तक सबूत काफी नष्ट हो गए थे और ये फैक्ट है क्योंकि घर की वाइट वॉशिंग तक हो गई थी बहुत कुछ ऐसा था लोग वहाँ जा जाकर वीडियोज कर रहे थे उसके बाद सी आती है तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी और इतना साफ सच निकल कर आएगा ये बहुत कड़वी बात लग सकती है सुनने में लेकिन मैं हमेशा सच बोलता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी और इतना बड़ा सच निकल कर आ पाएगा क्योंकि तो बहुत कुछ है जो छुपा दिया गया है और और दूसरी बात ये भी है ना कि केस ऑन इट्स ओन अगर देखा जाए तो प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी बहुत वीक होता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि इतना टाइम चला गया लाइक यू सेड एविडेंस चले गए और दूसरी बात कि कोई दूसरा ज़्यादा एविडेंस मिले नहीं ना सीसीटीवी फुटेज है अगर सुसाइड की बात करें तो ना सुसाइड नोट है अगर कोई एलब है और मोटिवज़ हैं तो वो सारे भी सामने निकल के नहीं आए अब तक रौनक यहाँ पर दो ही बात है या तो सी को कुछ भी नहीं मिला है या कुछ ऐसा मिला है जो वो बता नहीं सकते तो इनमें से कोई भी एक बात है उससे इतना ज़रूर है कि जस्टिस मिलने में या तो देरी होगी या परेशानी होगी ये केस सीधा सीधा नहीं है ओके okay. बट इसके अलावा कौन से केसेस हैं फिलहाल जो आ, 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 आपको लगता है कि आप वेइंग ऑन द कॉन्शियस ऑफ द सोसाइटी के सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि इसमें क्या हो रहा है आ, रौनक आप देख रहे होगे कि मैं अब सुशांत के बाद से शायद मैंने कोई बड़े सेलिब्रिटी का कोई ऐसा केस नहीं उठाया है मुझे लगता है कि जो आम लोग हैं जिनके बारे में कोई पूछता नहीं बात नहीं करता कितनी आ, महिलाएं हैं जिनके साथ अत्याचार होता है बहुत कुछ डोमेस्टिक वायलेंस के केस होते हैं मैंने सैटरडे को रात नौ बजे एक शो शुरू किया जिसमें मैं लोगों को बुलाता हूं और उनसे कहता हूं आप अपने ऊपर हुए अत्याचार के बारे में हमें बताइए ताकि हम समझ सके कि हो क्या रहा है तो क्या होता है कि कोई सेलिब्रिटी होता है बड़ा नाम होता है वहाँ तो प्रेस और मीडिया पहुँच जाता है।, है लेकिन मेरी कोशिश है कि जो जिनको कोई नहीं जानता जो मशहूर बिल्कुल भी नहीं है उनके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो मुझे आकर अगर जब भी कॉन्टैक्ट करते हैं मैं उनको लेकर आता हूँ उनसे बात करता आई थिंक दैट्स दैट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अलग और रेलिवेंट काम है क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में हम देखेंगे तो लाइक ही साइड बड़े बड़े लोगों की तो बातें होती है लेकिन इतना बड़ा अगर प्लेटफॉर्म उज्जवल का है तो उस पर अगर कोई आता है और अपनी बात रखता है तो शायद कोई फ़र्क पड़ सकता है उसको रौनक मैंने एक काम और शुरू किया अगर आपने मेरे कुछ वीडियोस देखे हों मैं बहुत सारे न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस निकालता हूँ बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स के जो फेसबुक पेजेस हैं उनकी हेडलाइंस निकालता हूँ और उनसे सवाल पूछता हूँ कि आपने ये ख़बर क्यों कवर की है और इसमें क्या न्यूज़ एंगल है क्या आपको सिर्फ़ मिर्च मसाला चाहिए तो मैं उस पर भी सवाल उठाता हूँ मैंने न्यूज़ चैनल्स पर भी सवाल उठाए हुए हैं और मैंने उन फेक वायरल वीडियोज़ पर भी सवाल उठाए हुए हैं तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि सवाल उठाऊं ताकि हम सही जवाब तलाश आई थिंक फेक न्यूज बस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो दैट इज द बिगेस्ट मैले ऑफ द सोसाइटी टूडे मैं हमेशा कहता हूँ अपने वीडियो में कि आप जब भी कुछ देखें या कोई मैसेज आपको आए तुरंत बिलीव मत करिए अगेन mm -hmm. सवाल पूछिए जवाब मिलेगा लेकिन हम लोग सवाल पूछते नहीं हो, यकीन कर लेते हैं और फिर हम किसी अलग रास्ते पे निकल जाते हैं खास करके जो चीज़ें व्हाट्सएप पर आती है वो तो एक्जैक्ट बहुत ही बिल्कुल आप बिना सोचे समझे पहले तो फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए आपके पास आ गया है तो बिलीव करके उस पर रिएक्ट कर देना मतलब वो तो उससे खराब बुद्धि का काम कुछ नहीं हो सकता अब आई डोंट वांट टू टेक मच ऑफ योर टाइम मैं और उज्जवल तो बैठेंगे तो बहुत सारा बहुत सारा टाइम निकल जाएगा बहुत बहुत सारी बातें करने के लिए हम लोग फील्ड पे भी मिला करते थे तब शायद आप टाइम्स के लिए काम कर रहे थे और मैं स्टार न्यूज़ या एन डी के लिए मैंने काफ़ी सारे चैनल्स चेंज करे थे जल्दी जल्दी तो मैं भी भूल जाता हूँ लेकिन हाँ उन दिनों में स्टार न्यूज़ में था या शायद एन में था जब मेरा आपसे फील्ड पर मिलना होता था और हम लोग काफ़ी मिला करते थे रिपोर्टिंग uh, uh, yes, yes. हाँ. मैं, uh, hmm. मैंने फिर न्यूज एक्स के, के साथ एकदम फुल टाइम रिपोर्टिंग शुरू की थी और तब ऑबियसली एज टू लुक अप टू पीपल हुआ देयर बिफोर क्योंकि जब क्राइम और सिटी बीट कवर करना है तो बहुत इंपॉर्टेंट exactly. होता है नेटवर्क का बस में नेटवर्किंग बहुत जरूरी होती है सारे रिपोर्टर्स एक दूसरे को खबरें देते भी हैं और ये भी नजर रखते हैं हाँ। कि किसको क्या मिल रहा है और हमसे क्या मिस हो रहा है तो एक बहुत अलग तरह का माहौल होता है और जो बहुत हम लोग उस समय बहुत इंजॉय किया करते हैं एक होती है एक्सक्लूसिव बाइट और एक होती है जनता बाइट इट हम लोग जनता वाइट लेते थे जो अगर जहां पे मान लीजिए दस चैनल हैं और छः मौजूद हैं वहां पे चार नहीं है तो बाकी चार को जनता बाइट दे दी जाती जा थी, थी, थी सबको मिल गया आ, है। तब तो व्हाट्सएप नहीं था व्हाट्सएप से नहीं जाता था हम ट्रांसफर कर देते थे एक दूसरे आ, को मुझे याद है कि तो हम, मैं उस जमाने में रिपोर्टिंग करता था जब मेरे पास सेल भी नहीं था तो सेलफोन भी आ गया था उसमें इनकमिंग के भी चार्जेस होते थे तो बहुत अलग तरह का टाइम था जितनी सैलरी नहीं होता था एग्जैक्टली और तब कोई सोशल मीडिया नहीं था कोई किसी का इंस्टाग्राम या ट्विटर या फेसबुक कुछ नहीं होता था एक्जैक्टली मुझे याद है मैंने शायद फेसबुक 2007 में शुरू किया यूज करना और ट्विटर तो और भी लेट 2010 में तो ये सब काफी लेट आया और इंस्टाग्राम उसके भी बाद <laughs> वो तो बहुत ही रिसेंट है तो आई नो उज्वल को लेट हो रहा है और अभी आठ बजे लॉकडाउन भी शुरू होने वाला है तो वी हैव टू रैप अप क्विकली तो मुझे ये पूछना है कि इतने सारे मैसेजेस कमेंट्स तो आपको आते होंगे मुझे भी आते तो आपको तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा आते होंगे तो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड एंड हाउ यू गेट कीप इन टच विद सो मेनी पीपल इज इट वेरी ओवरवेलमिंग येस इट इज एंड यू नो वाईव डन मैंने बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किए हुए हैं अलग अलग कंट्री का एक एक ग्रुप है oh. तो इंडिया यूएस यूके जापान ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इनके ग्रुप्स हैं प्लस टेलीग्राम पर है और मैं सारे रिप्लाइज खुद देता हूं कई बार ऐसा होता है कि मुझसे पूछा जाता है कि आप ही रिप्लाई करते हैं तो मैं वॉइस वो, मैसेज भी देता हूं कि जी हां मैं ही कर रहा हूं मैं सारे मैसेजेस नहीं कर पाता शायद फिफ्टी परसेंट कर पाता हूं लेकिन मुझे मेरी कोशिश होती है और बहुत सारे ऑडियंस तो अब मेरे फ्रेंड्स बन गए हैं मेरे फोन में यू वट बिलीव तीन से ज्यादा नंबर हैं मेरे ऑडियंस के जो मुझे रेगुलरली फोन करते हैं और एक एक बात का फीडबैक देते हैं वो मुझे ये भी बताते हैं कि उनको क्या अच्छा नहीं लगा हाँ। बहुत से लोग मेरे कपड़ों पे भी कमेंट करते हैं लेकिन ऑब्वियस इवन को बोलता हूँ आप कंटेंट पे करो कपड़ों पे नहीं तो कपड़े सबके अपनी पर्सनल चॉइस होते हैं लेकिन हाँ वो तरह तरह के कमेंट्स आते हैं और यही रीज़न है मैंने यूटी रील्स अभी शुरू किया है अगर आपने देखा हो यू टी हाँ, रील्स हाँ, मेरा एक पर्सनल वी लॉगिंग चैनल है उसमें मैं पोइटी करता हूँ हेल्थ एंड फिटनेस है उसमें मेरे ट्रैवलॉग्स होंगे आने वाले टाइम में बहुत जगह जाने वाला हूँ मैं ट्रैवल का मुझे बहुत शौक है तो वो सारे वीडियोस उसमें आएंगे और वहाँ पे भी इंटरेक्शन चलता रहता है इनफैक्ट मैंने कुछ ऑडियंस मेरी ऐसी है जिनके मैं वीडियोस रेगुलरली लगाता हूँ अगर आप मेरे चैनल पर जाएंगे यूटी रील्स पे भी मेरे कुछ दर्शकों के वीडियो लगे हुए हैं जो उन्होंने मुझे वाट्सअप पर भेजे थे एज अ वीडियो सजेशन कि सर हम ये करना चाहते हैं मैं उनको पूछा कि मैं आपका ये वीडियो लगा सकता हूँ वे लाइक हाँ लगा दीजिए तो मैं खुद चाहता हूँ कि मेरे चैनल पर उज्ज्वल त्रिवेदी के अलावा और भी कई सारे चेहरे दिखाई दिए जो रेगुलरली मेरे टच में रहते हैं या उनको कुछ बोलना होता है कहना होता है क्योंकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म एब्सोल्यूटली और यू टी रील्स देखा है मैंने वैन यू कम टू दुबई यू आल डू अडियो विद यू फॉर शॉर्ट वॉच आउट फॉर देट और लास्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू डील विद ट्रोल्स यू नो इफ समन इज़ अब्यूजिंग आई डेफिनेटली रिमूव दैट कॉन्टेंट क्योंकि मैं अब्यूज़ज़ uh, नहीं वो करता हूँ हाँ अगर uh, उनको मेरा कॉन्टेंट पसंद नहीं आ रहा है वो मेरे बारे में कुछ नेगेटिव कॉमेंट कर रहे हैं तो ठीक है मैं उसको अगर मुझे लगता है कि हाँ इस पर ध्यान देने की जरूरत है ध्यान देता हूँ लेकिन अगर अब्यूज़ होते हैं तो हंड्रेड परसेंट मैं डिलीट करता हूँ कि अब्यूज़ ना मैं देता हूँ न मुझे लगता है कि, कि किसी को कभी कहीं देना चाहिए तो यही मेरे दो ही तरीका है मैं इग्नोर करता हूँ और अगर कई बार मैं कुछ सीखता भी हूँ कि हो सकता है हाँ ये भी एक नजरिया हो सकता है बट एंगेज विद आप उनसे बात करते हो नहीं नहीं कभी नहीं कभी नहीं ओके okay. और ये तो हो गई ऑनलाइन ट्रोल्स की बात लेकिन अगर रियल लाइफ में कोई अगर आप क्योंकि आपका कंटेंट काफ़ी लोगों को खटकता भी होगा जी, जी 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 तो अगर वो आपके पास आते हैं या कॉल्स आते हैं मे बी विद इन अंदर से मेरे, साथ, से तो कैसे मेरे साथ ऐसा हुआ है मैं उनको बोलता कि अगर आपको मैं पसंद नहीं हूँ या मेरा कंटेंट पसंद नहीं है तो आप मत देखिए और तब भी आपको मुझे कुछ बोलना है तो आप आप भी अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करिए मेरे बारे में मैं आपको रोकूंगा नहीं जैसे मैं नहीं। अपने विचार रख सकता हूँ कोई ऐसा बेटर एक्सपीरियंस पर्सनली नहीं हुआ है और उसका एक रीजन ये भी मैं इतना निकलता नहीं हूँ घर से बाहर लेकिन आई ऑफ होना कल को तो निकलना और हो सकता है ऐसा हो जैसा होगा हो, जब भी होगा तो उसको डील तो करना पड़ेगा क्योंकि जो भी मैं मैंने अपने चैनल पर जो भी बोला है वो मेरे अपने विचार हैं और मैं अपने विचारों को रखने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र एब्सोलूटली स्वतंत्र आप हैं और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ट्रूथफुल एंड इफ यू आर ट्रूथफुल देन पीपल विल सपोर्ट यू इसी के साथ आई वॉन्ट इट अप इज हैव मिस और आपको कुछ बोलना है अगर मुझे मैं आपके चैनल पर और, और रेगुलरली आना चाहूंगा यस yes, वो, वो, वो मेरी कंप्लेन है यूजल आजकल यू नो हमारी बात नहीं हो पाती इतनी बट और मुझे भी लगता है कि कुछ ऐसा रेलिवेंट हो एकदम ज्यादा इंपॉर्टेंट तो हम करें क्योंकि बीच में लोग मुझे बोलते थे कि आप लोग क्यों बार बार नहीं आ, साथ में नहीं, काम करते हम लोग कुछ प्लान करेंगे और uh, कुछ वीकली प्लान कर लेते हैं कुछ भी प्लान करेंगे डेफिनेटली uh, महीने में हफ्ते में एक आध बार एक सेशन रखना चाहिए तो ये कोशिश रहेगी ठीक है चलो सो यू हर्ड इट राइट फ्रॉम उज्जवल माउथ इट सेल्फ तो वील ऑल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट बट फॉर नाउ थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड यू आर अ ग्रेट होस्ट एंड से